एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं चांदनी चौक मार्केट। तो मैं जा रही हूँ चांदनी चौक मार्केट एंड आज चांदनी चौक मार्केट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। एंड इस मार्केट वीडियो आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आने वाला है, तो मैं रेडी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मास्क भी रेडी है एंड सैनिटाइजर। तो इन सी चीज़ों को आप कैरी जरूर करें अपने साथ, कभी भी कहीं भी बाहर जाएँ। तो ये चांदनी चौक का कुछ व्यू है इस तरह का। और चांदनी चौक जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है यहाँ पर चांदनी चौक पर, तो ये एक दिल्ली की पुरानी जगहों में से एक है चांदनी चौक। पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ। तो यहाँ पर इस तरह के लहंगे वगैरह जो दुल्हन के लिए होते हैं, दूल्हे के लिए होते हैं, और इस तरह के सूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। जो भी शॉपिंग आपको शादी के लिए करनी है, तो आप पूरी शादी की शॉपिंग जो है वो चांदनी चौक से कर सकते हैं। मोस्टली यहीं से सब लोग शॉपिंग करते हैं शादी वगैरह के लिए। शॉप आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर शॉप ही है, आउटसाइड में ऐसा नहीं है, तो मोस्टली शॉप ही है। तो मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ, हर शॉप का नंबर वगैरह ऐसा बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ है, इस शॉप को आप डिटेल में देख पाएंगे। इस पर जो है आपको दुल्हन के लिए लहंगे वगैरह मिल जाएंगे, या दूल्हे के लिए आपको ये शेरवानी वगैरह मिल जाएंगी जो आप देख रहे हैं। तो इन भैया के पास काफ़ी अच्छी अच्छी शेरवानी और काफ़ी हर तरह के प्राइस में अवेलेबल थी। 5,000 में इसके साथ स्टॉल दुपट्टा सारा कुछ आएगा। दुपट्टा भी आता है जी, पूरा दूल्हा पैकेज आएगा। दूल्हा पैकेज 5,000 में? हाँ जी, काफ़ी कलेक्शन है हमारे पास इस टाइम। जैसे ये डिज़ाइन ये भी सेम प्राइस है, ये 7,000 के रेंज में है पूरा पैकेज, दूल्हा पैकेज 7,000। ठीक है, इसमें भी आपको रेंज में पूरा हैवी लुकिंग 8.5। पैंतीस सौ में काफी कलेक्शन है। 3,500 में भी है? हाँ जी, 3,500 4,000 में काफी डिजाइन है। स्टेप का आइटम मिलेगा 3,500 में, बहुत सारे डिजाइन इसमें। इसमें भी फुल पैक आएगा 3,500 में? हाँ जी। कौन सा कपड़ा रहता है भैया? ये बनारसी के ऊपर होता है। बनारसी? हाँ जी, ये हैंड का काम बोलते हैं इसको, हैंड का, हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। इंडो वेस्टर्न है ये? हाँ जी, इंडो वेस्टर्न बोलो, शेरवानी बोलो, लेंस शॉर्ट हो जाती है, इंडो हो जाती है। इसका क्या प्राइस है? ये 3,000 से स्टार्टिंग है, इसका काफी कलेक्शन मिल जाएगा। 3,000 से स्टार्टिंग है? एंड इसका क्या प्राइस होगा? क्या इस वाले का क्या प्राइस होगा? 3,000। 3,000 ही है? अच्छा, इसमें पजामा आएगा इंडो वेस्टर्न। ओके, इसमें आपको कलर डिजाइन बहुत सारा है, जैसे स्टार्टिंग है धोती कुर्ता पार्टी। शॉप का नेम वगैरह कुछ, नंबर वगैरह? हमारा एंडो शेरवानी से है। एंडो शेरवानी? हाँ जी, पराठे वाली गली के सामने। पराठे वाली गली के सामने कार्ड है आपका? हाँ, कार्ड है। तो इन भैया की जो शॉप है उसका नंबर आपने स्क्रीन पर देखा होगा और उसका नेम भी। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है इन्हीं की शॉप पर, यहाँ लहंगे वगैरह, गाउन वगैरह, ड्रेस बहुत ही सुंदर सुंदर अवेलेबल थी, मैंने खुद देखी थी, बहुत सारा कलेक्शन था। और ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर कुछ लहंगों के इस तरह के सैंपल्स लगे हुए थे। नंबर वगैरह मैंने आपको स्क्रीन पर डाल दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी शॉप की जस्ट आगे जाकर थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसी लाइन में, लाइन से है ये सारी शॉप। तो ये इस तरह की आपको ज्वेलरी शॉप देखने के लिए मिलेगी। और गाइस, यहाँ पर मोस्टली सारी शॉप ही होंगी। एंड आपको अगर कुछ भी शॉप करना है तो आपको पूरा चांदनी चौक विजिट करना पड़ेगा, ऐसे एक एक शॉप से नहीं हो पाएगा। कलेक्शन आप अपने हिसाब से चुनिए। ओके, तो ये जो शॉप है इस पर ज्वेलरी है, ये पूरी शॉप पर, मतलब इस शॉप पर पूरी तरह से ज्वेलरी ही थी। इस तरह के जो आप ऊपर देख रहे हैं, क्या बोलते हैं ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, बट जो चूड़ा होता है दुल्हन का, तो उसमें इन्हें लगाते हैं, ये लटकते हैं नीचे, तो ये उस तरह का है। तो ऐसी भी चीज़ें मिल जाएंगी, इस तरह के आपको इयर रिंग मिल जाएंगे,
एंड बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में तो थोड़े एक्सपेंसिव ही होंगे, क्योंकि शॉप के अंदर है, शॉप के अंदर जो भी चीज़ होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। एंड ये जो शॉप थी, इस शॉप पर जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन इतना सारा ज्वेलरी कलेक्शन था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे नेक पीसेस थे। आपको ब्राइड के लिए लेना है, शादी के लिए लेना है, कैसे भी लेना हो, तो इन भैया की शॉप पे भी चूड़े आपको मिल जाएंगे, और चूड़े में जो लटकन लगाते हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये आप नेम देख सकती हूँ, ऊपर नंबर भी डला हुआ है, इन्हीं का नंबर होगा ये। और इनके पास भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी, और साड़ी, इस तरह की साड़ीज़ का कलेक्शन भी मिल जाएगा। इन भैया की नेक्स्ट शॉप ही है ये, जिसपे साड़ी का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। इस तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी जो शादी के लिए, दुल्हन के लिए होती है, मेहंदी सेरेमनी के लिए या हल्दी सेरेमनी के लिए, इस तरह फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनते हैं, तो इस तरह की भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये जो लहंगा था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका स्टाइल वगैरह, कलर वगैरह, एंड ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्यारा था। लहंगे के जो प्राइस थे वो हर रेंज के थे, 3,000, 4,000, 5,000, आई मीन हर रेंज के आपको मिल जाएंगे। ये जो पिंक था ये भी काफ़ी अच्छा था, मैंने बाहर से इसका जो लिया था क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने थोड़ा सा सूट किया। एंड ये जो ज्वेलरी शॉप देख रहे हैं, इस पर गाइस सारी की सारी ज्वेलरी मिलेगी आपको, इतनी सारी ज्वेलरी थी इनके पास, बहुत सारी और बहुत अच्छी थी। आपके ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ज्वेलरी मिलेगी, हर ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग एक अलग स्टाइल होता है ज्वेलरी का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, इयररिंग्स मिल जाएंगे। तो साड़ी के लिए लेना है, किसी ड्रेस के लिए लेना है, तो हर तरह की पूरी शॉप पर ज्वेलरी ही ज्वेलरी थी। तो इस तरह की आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा विजिट करना पड़ेगा अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। ये जो ज्वेलरी है ये बाहर आउटसाइड में लगी हुई थी, और उनके पास भी काफ़ी अच्छी थी। ये कितने का भैया ये वाला? 900 का? नहीं, एंड चांदनी चौक का कुछ व्यू देखें तो इस तरह से कुछ होता है, पतली सी गलियां ही रहती हैं, दोनों साइड शॉप्स रहती हैं, तो इस तरह का व्यू रहता है गाइस। ये पुरानी दिल्ली पे पड़ता है, तो ये दिल्ली का जो है पुराना पार्ट है सबसे ज़्यादा। ये एक साड़ी की शॉप है, और इनके पास आपको बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ीज अवेलेबल हो जाएंगी। कौन से कपड़े भैया साड़ी? बनारसी सिल्क। बनारसी सिल्क, प्राइस क्या होंगे? 1500, 2000, 2500, 3000 से। अच्छा, 1500, 2000, 2500 स्टार्टिंग है ना, और लास्ट है 8000, 10000 लास्ट है। 500 से स्टार्टिंग है। 500 से स्टार्टिंग है इनकी सिल्क में? ये सिल्क है? हाँ सिल्क है, ये चंदेरी सिल्क। चंदेरी सिल्क विद ब्लाउज के साथ में, कंट्रास्ट ब्लाउज, 350 रुपये। 350 की है ये? अच्छा अच्छा तो इन भैया की शॉप पे काफ़ी अच्छी साड़ीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बनारसी लेना, ये इनका कार्ड है, और नाम और शॉप नेम भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इस तरह साड़ी सी काफ़ी सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। जो भैया की शॉप है इसी गली में, मतलब यहाँ गलियाँ काफ़ी होती हैं, तो आप गली से भी आइडिया लगा सकते हैं। इसी गली में इस तरह से आगे जाने के बाद इस तरह से साड़ी का काफ़ी बड़ा शोरूम देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और इन यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे डमीज पर साड़ी लगी हुई थी, तो मैंने आपको एक आइडिया के लिए दिखाया कि काफ़ी प्यारी प्यारी साड़ीज़ के पैटर्न थे इनके पास में भी, तो ये आपको वहीं मिल जाएंगे, और इतना लोकेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उसी लाइन में आपको उसी गली में ये इस तरह की शॉप अवेलेबल हो जाएंगी। ये लहंगे की शॉप है, आई मीन न्यू शॉप ही खुली थी आई थिंक ये, और इनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे लहंगे थे गाइस। लहंगे की शॉपिंग की जाती है शादी वगैरह दुल्हन के लिए, तो आप चांदनी चौक से कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी रेट में आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी के लिए मैं आपको बता रही, ज़्यादातर यही सारी बड़े अमाउंट में शॉपिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से होलसेल मार्केट भी है, होलसेलर्स की शॉप भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक ब्लाउज की शॉप थी, इस पर आर्टिफिशियल ब्लाउज थे सारे के सारे आर्टिफिशियल ब्लाउज थे, और बहुत सारे थे। किसी भी तरह की आपको डिज़ाइन वगैरह में चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे थे, जो कि काफ़ी लोग परचेस करते हैं, उसी आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया है।
और वाइट कलर लाइट कलर है भैया, इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस क्या होगा? प्राइस ब्लाउज अरे 300 का इसको दे, मतलब गली वाला 300 रुपीस खुजी मछली तो ऐसे करेगा। अगेन आपको इस तरह से कुछ साड़ी का कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इनके पास भी काफ़ी साड़ी की शॉप तो आपको गाइस काफ़ी सारी मिल जाएंगी। ऐसे कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है कि आपको इसी शॉप पे जाना है, ठीक है? तो आपको काफ़ी सारी एक के बाद एक काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो शॉप्स की बिल्कुल वो नहीं है एंड आउटसाइड में नहीं है, सारी की सारी शॉप्स ही मिलेंगी आपको चांदनी चौक पर, जो काफ़ी हल्के प्राइस में एंड कम प्राइस, लो प्राइस, एक्सपेंसिव हर प्राइस में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर गाइस एक ये गली थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी, तो इस गली में गाइस शूज़ ही शूज़ थे, ओनली फुटवियर कलेक्शन। मैंने नोटिस किया कि इस गली में जो था सारा का सारा फुटवियर कलेक्शन था, जितनी भी सारी शॉप थी फुटवियर, तो इतना सारा अमाउंट था फुटवियर कलेक्शन का कि आपके लिए कम नहीं पड़ेगा। इतनी सारी वेराइटीज़ थी, एक के बाद एक शॉप थी, तो बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप नेम से पूछ भी सकते हैं वहाँ किसी से कि जहाँ पर फुटवियर कलेक्शन मिलता है, बहुत सारी सारी शॉप्स हैं किधर साइड होगा, तो इजीली आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये शॉप्स आप देख रहे हैं, इनके पास वैलीज़ के, सैंडल्स के, शूज़ के काफ़ी सारे कलेक्शन थे। तो ऐसे पर्टिकुलर एक शॉप नहीं बता रही मैं आपको, क्योंकि पर्टिकुलर एक शॉप नहीं थी, बहुत सारी थी, एक के बाद एक शॉप थी, खोले टाइप में ही थी, कुछ इस तरीके से थी, तो बहुत सारी थी। तो ऐसे एक कैसे बताऊं, जैसे थोड़ा सा देखिए मैंने आपको आइडिया दिया है ऊपर, थोड़ा जो भी इनका एड्रेस टाइप का या नंबर टाइप का डला हुआ है, ठीक है? ये आप देखिए ऊपर, आप एक शॉप के नाम से भी पूछ लेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको सारा शूज़ का कलेक्शन मिलेगा। बॉयज़ को लेना है, गर्ल्स को लेना है, किसी को भी लेना है उनके लिए मिल जाएगा, एंड दूल्हे वगैरह ऐसी सारी चीज़ों सबसे लेवल की चीज़ें मिल जाएंगी, और कितनी भी एक्सपेंसिव हो या फिर सस्ती हो चीप प्राइस में भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट क्वालिटी का डिफरेंस होता है। तो गाइस आज का वीडियो यही था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा चांदनी चौक मार्केट का ये वीडियो, एंड मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि और किस मार्केट वीडियो चाहिए, एंड नेक्स्ट और मार्केट के वीडियोस भी आने वाले हैं। थोड़ा वीडियोस में गैप हो जाता है, कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती, अदरवाइज मेरे वीडियो अल्टरनेट आते ही आते हैं मार्केट्स के ऊपर। एंड और भी कुछ चाहिए तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।